हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आपके भी शरीर में कमजोरी थकान की समस्या हमेशा बनी रहती है, कोई भी काम करने के बाद आपको थकान ज्यादा होता है, कमजोरी का एहसास ज्यादा होता है, या आप अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, यानी कि अगर आप रात को सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, ज्यादा टाइम लग जाता है आपको सोने में, यानी कि अनिद्रा की समस्या से परेशान है, या आपके जोड़ों में घुटनों में हमेशा दर्द बने रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई है, या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, या आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे चीजों का प्रयोग करने का तरीका बताऊंगी जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कितनी भी कमजोरी थकान की समस्या क्यों ना हो ठीक हो जाएगी, अनिद्रा की समस्या ठीक हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी और ज्वाइंट पेन की समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ों और घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए जो रेमेडी है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले नुस्खे के लिए हमें फॉक्स नट यानी कि मखाने का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, ये जो मखाना है पौष्टिकता से भरपूर होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और आयरन जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। ये प्रोटीन पाया जाता है जिससे आपको ताकत मिलती है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है, घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है जिससे आपके ज्वाइंट में जो दर्द की समस्या होती है वो उत्पन्न नहीं होती है, और यहाँ तक इसमें फाइबर भी होता है जो कि आपको पेट से जुड़ी कोई समस्याएं होती है, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है और कब्ज की समस्या से आपको छुटकारा दिलाता है। यहाँ तक इसमें आयरन होता है जो कि आपके खून की कमी को बहुत ही तेजी से दूर करता है। फ्रेंड्स, मखाने के प्रयोग अगर आप डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं डाइट में तो ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देने वाला है क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने का काम करता है, और मैं आपको बता दूं कि इसके प्रयोग करने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है और फैट और सोडियम की मात्रा भी कंट्रोल में रहती है आपके शरीर में, इसके वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनाती है। इसके अलावा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से आपकी खून की कमी दूर होती है, यानी कि एनीमिया रोग से आपको छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो कि आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, और मखाने में जो है हेल्दी फैट, फॉस्फोरस और विटामिन और कैलोरी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसलिए अगर आप इसका प्रयोग डेली करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो आप मखाने का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं आपको तीन तरीका बताऊंगी मखाने का प्रयोग करने का जिससे आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि आपको किस तरीके से प्रयोग करना है किस बीमारी को दूर करने के लिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसका पहला तरीका है फ्रेंड्स कि आप इसे सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मखाने ले लेने हैं और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है देसी घी में आपको रोस्ट करना है, और आप चाहे तो इसे ज्यादा मात्रा में रोस्ट करके और एक डिब्बे में भर के रख सकते हैं, डेली आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसको रोस्ट करने के बाद आपको डेली सुबह में खाली पेट आपको लेना है 4 से 5 मखाने और इसको चबा चबा कर खा लेना है, और 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पी लेना है। अगर आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है और शुगर में भी काफी फायदा मिलता है अगर इस तरीके से करते हैं तो। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि अगर आप कमजोरी थकान की समस्या से परेशान हैं या ज्वाइंट पेन की समस्या से परेशान हैं, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसका प्रयोग दूध के साथ करना है। दूध के साथ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने हिस्से का 1 गिलास दूध लेना है और इसमें 4 से 5 मखाने या 6-7 मखाने भी आप डाल सकते हैं, कम से कम 5 मखाने होने चाहिए। दूध में डाल दीजिए और इसे लो से मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आपको बॉयल करना है जब तक ये जो मखाने हैं सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो मखाने जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब आपको इसका प्रयोग रात को सोने से आधा घंटे पहले करना है। इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कमजोरी थकान की समस्या दूर होगी, अनिद्रा की समस्या में काफी फायदेमंद होता है, जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है उनके लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। तो अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले मखाने का प्रयोग दूध में उबाल के करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा।
तीसरा तरीका है फ्रेंड्स कि अगर आप मखाने को दूध में उबाल करके नहीं खा सकते हैं या आपको टाइम नहीं मिल रहा है, खाना पसंद नहीं करते हैं, तो दूसरा तीसरा तरीका है कि आपको मखाने को रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपको इसे मिक्सी में ग्राइंड करके पीस कर इसका पाउडर बना लेना है और एक डिब्बे में भर के रख लेना है और डेली रात को सोने से आधा घंटा पहले एक गिलास दूध में एक चम्मच मखाने के पाउडर को डालना है और फिर इसका प्रयोग कर लेना है। और अगर इनमें से किसी भी तरीके से आप इसका प्रयोग दूध के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आपको रोस्ट किए हुए मखाने को, पांच मखाने को लेना है, चबा चबा कर खा लेना है और एक गिलास गर्म दूध पी लेना है, वो भी रात को सोने से आधा घंटा पहले। यानी कि दूध के साथ आप इस तीनों तरीके से किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको दूध के साथ प्रयोग करने का तरीका बताया है और सुबह में खाली पेट गर्म पानी के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि जिन लोगों को कमजोरी, थकान की समस्या, अनिद्रा की समस्या और ज्वाइंट पेन की समस्या से छुटकारा पाना है, वो दूध के साथ रात को इसका प्रयोग करेंगे मखाने का। अदरवाइज आप सुबह में भी अगर इसका खाली पेट प्रयोग करते हैं मखाने का, तो इससे भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरीके से सुबह में मखाने का प्रयोग करने से आपका दिल स्वस्थ रहता है, यानी कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है और शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है अगर आप सुबह में खाली पेट करते हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको पहले नुस्खे के लिए मखाने के प्रयोग करने का तरीका बताया है, किस किस तरीके से प्रयोग करना है वो भी मैंने बता दिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नुस्खे के लिए फ्रेंड्स हमें काजू का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स काजू जो है एक हेल्दी ड्राई फ्रूट्स होता है और बहुत लोग को लगता है कि काजू खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काजू फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होता है जो कि आपके वजन को घटाने में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और ये आपके दिल के लिए भी काफी अच्छा होता है, यानी कि दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है। फ्रेंड्स ये काजू जो है आपके मूड को भी फ्रेश करने का काम करता है। अगर आपको तनाव फील हो रहा हो, स्ट्रेस में है, तो आप तुरंत 4 से 5 काजू खा लीजिए। इससे आपको स्ट्रेस में काफी आराम मिलता है, तनाव तुरंत ही दूर हो जाती है। ये सिर दर्द में भी काफी फायदा करता है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स इसका प्रयोग आपको दूध के साथ करना है। इसके लिए आपको डायरेक्टली काजू का प्रयोग नहीं करना है, इसे आपको हल्का सा रोस्ट कर लेना है देसी घी में, या आप विदाउट देसी घी का भी रोस्ट कर सकते हैं। और इसको रोस्ट करने के बाद आपको रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको 4 से 5 काजू को लेने हैं, चबा चबा कर खा लेना है और एक गिलास गर्म दूध आपको पी लेना है। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी याददाश्त शक्ति इम्प्रूव होती है, तनाव दूर होता है और आपको ताकत भी मिलती है, यानी कि कमजोरी, थकान की समस्या भी दूर होती है और ये आपके वजन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके वजन को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स कि अगर आप काजू को, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जिनको याददाश्त शक्ति बढ़ानी है, स्टडी कर रहे हैं, तो अगर जो है ड्राई फ्रूट यानी कि काजू को डायरेक्टली चबाकर नहीं खाना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा तरीका है कि आपको रोस्ट कर लेना है काजू को और इसको पाउडर में बना लेना, यानी कि मिक्सी में इसको ग्राइंड करके पीस कर पाउडर में बना लीजिए, डिब्बे में भर के रख दीजिए और डेली रात को सोने से आधा घंटा पहले एक चम्मच इस पाउडर को दूध में डालिए और बच्चे को दीजिए या खुद ही प्रयोग कीजिए। इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। एक काजू भी बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके वजन को थोड़ा भी गेन नहीं करता है, वजन को लॉस करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कोई भी ड्राई फ्रूट्स है वो आपके वजन को नहीं बढ़ाता है, ना ही मोटापा को बढ़ाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको मखाने का और काजू का प्रयोग करने का तरीका बताया है, दोनों बहुत इफेक्टिव है और मखाना तो रामबाण इलाज की तरह काम करता है फ्रेंड्स। तो अगर आप कमजोरी, थकान की समस्या से परेशान हो, अनिद्रा की समस्या से या घुटनों की दर्द की समस्या से परेशान हो, किसी भी तरीके से परेशान हो, तो आप इस नुस्खे को ट्राई कीजिए, मखाने का प्रयोग कीजिए, काजू का प्रयोग कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, घरेलू नुस्खे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।